हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माइंड कैलकुलेशन। मैं आपका मैथ्स एक्सपर्ट तूफान पॉल। आज आप लोगों को बताऊंगा क्लास 8 का टॉपिक कंपेयरिंग क्वांटिटीज। देखो, कंपेयरिंग क्वांटिटीज का बहुत सारा सब टॉपिक हम लोग देख चुके थे और उसमें से एक कंपाउंड इंटरेस्ट जो कंपेयरिंग क्वांटिटीज का एक सब टॉपिक था जो कि चक्रवृद्धि ब्याज, इसके बारे में हम लोग जाने थे इससे पहले क्लास कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, वो हम लोग सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच क्या रिलेशन है वो हम लोग देखे थे। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे कि जो क्लास 7 में आप लोग पढ़े हो जो सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, उसका एक एग्जांपल लेकर के देखेंगे कि किस तरह से हम लोग सिंपल इंटरेस्ट को निकालते थे और किस तरह से वो निकलता था। ठीक है, वो हम लोग पूरा अच्छे से रिकॉल करेंगे, फिर आगे बढ़ते हुए हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन आंसर भी बनाएंगे और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस तरह से सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड के बीच डिफरेंस है वो भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का एक एग्जाम्पल को लेकर के समझ लेते हैं जो आपका किताब में है, एनसीईआरटी के किताब में है, जो आपके एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर 10। उसमें क्या है, ए सम ऑफ रुपीज 10,000 इज बोरोड एट ए रेट ऑफ इंटरेस्ट 15%। कोई एक आदमी 10,000 रुपया का बैंक या कोई पोस्ट ऑफिस से लोन ले रहा है और लोन लेने के बाद वो क्या बोल रहा है, उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है चुकाना पड़ेगा 15% के हिसाब से साल वाइज। ठीक है, वो कितना साल के बाद उस लोन को चुकाएगा, 2 साल के बाद चुकाएगा। वो किस तरह से लोन को चुकाएगा, इंटरेस्ट वो किस तरह से देगा, वो सिंपल इंटरेस्ट के रूप में उस लोन को चुकाएगा। तो हमको इसमें क्या निकालना है, इसमें निकालना है कि 2 साल का टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना निकलेगा, साथ में वो 2 साल के बाद 2 साल की एंड में वो कितना अमाउंट टोटल अमाउंट चुकाएगा, मतलब उसका जो प्रिंसिपल लिया हुआ था प्लस सिंपल इंटरेस्ट को जोड़ देंगे तो 2 साल के बाद वो अमाउंट पता चल जाएगा। पहले 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले देखते हैं कि इस क्वेश्चन में जो आदमी बोरो बैंक से लोन ले रहा है वो कितना रुपीज लोन ले रहा है, वो क्या हो गया आपका प्रिंसिपल, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है यहाँ पे 10,000 है, प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पे कितना है 10,000 रुपीज़ है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट ईयरली कितना देना पड़ रहा है उसको 15% देना पड़ रहा है, और टाइम वो कितना साल के बाद उस लोन को चुकाएगा, 2 साल के बाद, 2 ईयर्स। ठीक है, अब उस लोन को 2 साल के बाद जब चुकाएगा तो उसका सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा। सिंपल इंटरेस्ट का हम लोग फॉर्मूला जानते थे, क्लास 7 में पढ़े हैं, क्या होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। इतना अमाउंट वो लिया है लोन और 15% के हिसाब से ईयरली लग रहा है तो इतना का 15% वो कितना साल के लिए दे रहा है, 2 साल के लिए दे रहा है, 2 साल के बाद दे रहा है। ठीक है, तो हम लोग ये दिखेंगे ना, तो सिंपल इंटरेस्ट का कितना बनेगा, प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पे कितना है 10,000 है, 10,000 इंटू रेट यहाँ पे कितना है 15% रेट है, 15% रेट इंटू यहाँ पे टाइम कितना है, टाइम क्या इसका है 2 साल के बाद चुकाएगा उस बैंक को लोन को। ठीक है, 2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका 100। अब 0 0 काट दो तो इसको मल्टीप्लाई करो, 15 2 जा कितना होगा 30, 30 इंटू 100 कितना हो जाएगा 3000, 3000 रुपीज़ उसका क्या हो गया सिंपल इंटरेस्ट हुआ। 10,000 का सिंपल इंटरेस्ट 2 साल के बाद कितना बनेगा 3000 रुपीज़, कितना रेट के हिसाब से दे रहा है 15% के रेट के हिसाब से दे रहा है। अब उसका 2 साल के बाद टोटल अमाउंट कितना बनेगा जानते हैं, अमाउंट इक्वल टू निकालने के लिए प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल के साथ हम लोग सिंपल इंटरेस्ट को ऐड कर देते हैं तो क्या निकलता है अमाउंट निकलता है इस अमाउंट, अमाउंट का मतलब क्या है टोटल मिला के वो कितना चुकाएगा, मतलब जो लिया था लोन वो प्लस इंटरेस्ट मिला करके वो अमाउंट चुकाएगा ना, वो उसी को हम लोग अमाउंट बोलते हैं। इसमें कितना है उसका प्रिंसिपल 10,000 है प्लस 3,000 क्या है उसका इंटरेस्ट है, तो उसको कितना चुकाना पड़ेगा 13,000 रुपीज़ वो बैंक को चुकाएगा, इतना अमाउंट हो 2 साल के बाद बैंक को रिटर्न करेगा। ठीक है, टोटल अमाउंट।